सुनवारा हल्का पटवारी कौशल किशोर राजपूत को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील मुख्यालय धनौरा के सुनवारा हल्का पटवारी कौशल किशोर राजपूत भूमि का भाई बंटवारा करने में एबच में शेख पीरू कुरैसी पिता हाफिज कुरैसी उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम केबिलारी की भूमि टीका देवरी में है, जिसका भाई बंटवारा करने के लिए पटवारी कौशल किशोर राजपूत ने शेख पीरो कुरैसी से 15,000 की मांग की थी, जिसकी सूचना लोकायुक्त जबलपुर को दी गई तो उन्होंने कौशल किशोर राजपूत को रंगे हाथ 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसके ऊपर डीएसपी जेपी वर्मा निरीक्षक श्री रंजीत सिंह राजपूत एवं 8 सदस्यों की टीम ने आरोपी कौशल किशोर राजपूत पटवारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की। चिवलारी के रहने वाले शेख पीरू, इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के पश्चात पैतृक संपत्ति का आपसी बंटवारा होने लगा, जिसका इन्होंने शिकायत जिसका पहले इन्होंने प्रकरण जुलाई 2021 में तहसील कार्यालय में जनोरम दिया हुआ था। इनका कार्य नहीं होने के कारण और इस वक्त यहाँ के पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाने पर इन्होंने सात फरवरी 2022 को पुलिस शिक्षक लोकायुक्त श्री चंद्र साहू जी के जबलपुर में शिकायत की थी, उसका सत्यापन किया गया। उस समय इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी, बातचीत होने के बाद 15,000 रुपये देना चल गया था। तो आज दिनांक को शिकायत के सत्यापन 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी देवरी टी का कौशल किशोर राजपूत को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सब कुछ आ गया। नतुल जी ये थे, मैं फिर आज फिर आया, अचानक आया मैं इनको फोन लगा के। मैं रास्ते पे आया, फिर इनको फोन लगाया, मैंने कहा पटवारी साहब कहाँ हो आप, आ जाऊँ कैसे, बोले आते तो आ जा बोले। तो फिर मैं आया और सीधा मैं इनके ऑफिस ही गया, तो जो वहाँ मेरे को मौजूद मिल गए। कौन से कोटवार से दिलवा रहे थे? देवरी टीका का कोटवार को दे दो बोले। अच्छा, किसने बोला था? कौशल राजपूत जो पटवारी हमारे हल्का के, वो बोल रहे थे कि मैं हाथ में नहीं लूंगा पैसे, आप गाँव के कोटवार को दे दो। अच्छा, तो मैंने फिर पता किया तो बोले यार कोटवार नहीं में मर जाएगा बेचारा, तो उसको हम बचाने के चक्कर में और नरेश को बचाने के चक्कर में हमने सब कुछ तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि नरेश बाबू को दे दो, पटवारी साहब बोल रहे थे कि गांव की कोटवार को दे दो, तो हमें दोनों गरीबों को बचाने के लिए हमको थोड़ा सा वक्त लग गया। तहसीलदार साहब ने बोले थे? हाँ, तहसीलदार साहब बोले थे नरेश को दे देने करके। वो पेशी के आप ही को बोले थे ना एक बार? हाँ, और एक बार अचानक से मैं मतलब पेशी भी नहीं थी और 4 बजे यहाँ से नरेश फोन करते हैं, मैं केवलारी में रहता हूँ धनौरा से। नरेश कौन? नरेश बाबू अस्थायी है, आर्मी के अस्थायी है। वो कहाँ पर है पता? यही तहसील ऑफिस में। तो इनने अचानक नरेश मेरे को फोन किया 4 बजे दिन में, बोले आपको साहब बोला रहा है कहीं साइन करना है आपको। तो मैं तुरंत अपनी दुकान छोड़ के भाई के सुपर दुकान की और फिर मैं आया, तो आया तो आने में मेरे को 1 घंटा लग गया। इतने में आया तो 5 बजे सर चैम्बर में बैठी हुई पड़ी तहसीलदार साहब। फिर मैं आया, मैंने कहा सर नमस्ते नमस्ते। तो फिर सर कैसे यार हम कर दो, बोले आप, मैं कहा सर मैं किसको करूँ, बोले नरेश को दे देना। बस इतनी बात है।